हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन आवर ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लासेस। तो देखिए, हम लोग आज शुरू करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी, दैट इज पेपर टू। हम लोगों ने अभी तक पेपर वन के ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। पेपर वन के फिजिकल ज्योग्राफी को अभी हम लोगों ने होल्ड पे रखा है, पहले पेपर टू कंप्लीट कर लेंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स पेपर वन अगेन फॉर फिजिकल ज्योग्राफी। और इस तरीके से हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब कि हमारा पूरा का पूरा ज्योग्राफी ऑप्शनल को हम लोग फिनिश कर लेंगे। देखिए, जो लोग भी नए हैं उनके लिए अगेन दिस इज आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट क्लियर करने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपको मैं बोलूंगा कि आप टेलीग्राम की लिंक ये ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक दे रखी गई है, तो यू कैन ज्वाइन दिस फॉर मोर अपडेट्स। इसके अलावा अगर आप गोरखपुर के नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में हैं एंड यू वॉन्ट अ फेस टू फेस क्लास, देन यू कैन कम। फेस टू फेस क्लास इज गोइंग ऑन इन हरिओम नगर गोरखपुर। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज अवेलेबल भी हैं, जैसे प्रीलिम्स के कोर्सेज हो गए, मेंस के कोर्सेज हो गए। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, जिसको कि आप अकॉर्डिंगली वॉच आउट कर सकते हैं। इसके अलावा वी हैव आल्सो लॉन्च्ड आवर टेस्ट सीरीज, देन यू कैन सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज। ये सारे अवेलेबल टेस्ट सीरीज हैं, अपने प्रिपरेशन को बेटर तरीके से इवेल्युएट करने के लिए आप ये टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। पहले देख लेते हैं फटाफट सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में जब आप देखेंगे तो मैंने इंडियन ज्योग्राफी के पूरे सिलेबस को इंक्लूड कर दिया, एंड दिस इज बेसिकली फिजिकल पार्ट। ये जो है वो फिजिकल पार्ट है। फिजिकल पार्ट में जब आप देखेंगे तो सबसे पहला टॉपिक आता है स्ट्रक्चर एंड रिलीफ, देन आता है इंडिया विद नेबरिंग कंट्री के साथ कैसा रिलेशनशिप है, फिर हम लोग बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, फिर बात करेंगे फिजियोग्राफिक रीजन के बारे में, फिर हम लोग क्लाइमेटोलॉजी वाले पार्ट में आ जाएंगे और हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून एंड रेनफॉल पैटर्न, देन साइक्लोन के बारे में बात करेंगे, फ्लड एंड ड्रॉट के बारे में बात करेंगे, क्लाइमेटिक रीजन के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग अपने बायोजियोग्राफी के रीजन नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल टाइप में बात करेंगे। तो फिलहाल आज का टॉपिक शुरू करते हैं, और टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर एंड रिलीफ। स्ट्रक्चर एंड रिलीफ के लिए मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में दिया हुआ था जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ाई करने को। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर टू के लिए। जिस तरीके से पेपर वन में हम लोगों ने देखा था पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी का कंसेप्ट, सिमिलरली पेपर टू के लिए ज्योग्राफिकल मतलब जियोलॉजिकल टाइम स्केल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनफैक्ट पेपर टू में आपको किसी भी क्वेश्चन का अगर इंट्रोडक्शन लिखना है और एक बेटर इंट्रोडक्शन लिखना है, मतलब आपको एक मैच्योर आंसर दिखाना है, तो आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले यहां पर मैं आपको छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। कई बार आपको लगेगा पेपर में कि क्वेश्चंस जो है वो बहुत जनरल आए हुए हैं, जनरल मतलब कि जीएस टाइप के आए हुए हैं, कैसे इसको ऑप्शनल लिखा जाए। कई लोग इसको कर लेते हैं और काफी अच्छे मार्क्स लेते आते हैं, लेकिन कई लोग इसको नहीं कर पाते और इसी वजह से पेपर टू में जनरली लोगों के नंबर कम आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि सीखना है कि जीएस के आंसर को कैसे ऑप्शनल के आंसर में तब्दील करना है, और उसके लिए हम लोग हर रोज मतलब हर सैटरडे जो हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज निकालते हैं वो आपको काफी ज्यादा फायदा करती भी होगी आई गेस। तो इस तरीके से आप चीजें कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें सीखना है, और सीखने के लिए हम लोगों को जियोलॉजिकल टाइम स्केल काफी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा है। इन केस अगर जिसने भी नहीं पढ़ा है तो काइंडली आप लोग पीछे जाइए, पास्ट वीडियोस में मैंने डिस्कस कर रखे हैं, लेक्चर 1 टू लेक्चर 16 में सारा का सारा आप लोग डिस्कस कर लीजिए, पढ़ लीजिए, काफी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चर एंड रिलीफ। तो स्ट्रक्चर एंड रिलीफ के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा जियोलॉजी के बारे में, जियोलॉजी, और इनफैक्ट जो हम लोगों ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में बात किया है इसी के बारे में। तो देखिए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जब बातें किया जाएगा तो वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर्स बेसिकली। तो हम लोग क्या है कि स्ट्रक्चर्स और रिलीफ को यहां पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर किस तरीके के हो सकते हैं, ये तीन तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है जो पेनिनसुलर इंडिया का होगा, पेनिनसुलर इंडिया। दूसरा हो सकता है जिसको बोला जाता है एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया। इस एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया को ही हम लोग बोलते हैं क्या, हिमालयन एरियाज। ये हिमालयन एरियाज हो जाते हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है। तीसरा जो एरिया होता है वो आता है इंडो गैंगेटिक एरिया, इंडो गैंगेटिक एरिया। अब देखिए, तीनों में ही अपनी अपनी खुद की प्रॉपर्टीज है, तीनों की टोपोग्राफी, तीनों की स्ट्रक्चर, तीनों की रिलीफ डिफरेंट हो जाती है। हमें बेसिकली ये देखना होता है कि तीनों इलाके की रिलीफ कैसी है, और क्यों देखनी होती है, क्योंकि इसके साथ में कुछ एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज होती हैं। ये एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज हमें मिनरल रिसोर्स के बारे में बता रही होती है,
इसके अलावा हमें बता रही होती है कि वाटर रिसोर्स कहाँ पर कैसा है, इसके अलावा हमें बता रही होती है एग्रीकल्चर के लिए जो सॉइल की जरूरत है वो सॉइल कैसी है, इसके अलावा हमें बता रही होती है ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन कहाँ पर कैसा रहेगा, इसके अलावा हमें बता रही होती है कि किस तरीके की हम लोग टूरिज्म इंडस्ट्री कहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, इसके अलावा हमें डिजास्टर में भी ये काफी ज्यादा हेल्प कर रही होती है आइडेंटिफाई करने में। तो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर जिसको हम लोग यूज करके, हम लोग इस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को यूज करके हम लोग आज की डेट का, फ्यूचर का, हम लोग इससे काफी बेनिफिट निकाल सकते हैं। तो हमें काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर को पढ़ना। अगर मान लीजिए इस चैप्टर की यूटिलिटी के बारे में देखा जाए तो देखिए ये है यूटिलिटी जिसको कि हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम वन बाय वन करके देखना शुरू करेंगे और देखेंगे कि इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है टू आइडेंटिफाई दीज एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज। क्लियर, शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इसमें सीन क्या है। सीन ये है कि इंडिया बीइंग अ लार्ज कंट्री हैज डाइवर्स जियोलॉजी। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इंडिया, और हम लोग को पता भी है, और इन केस नहीं पता है तो आप लोग जीएस में इतना तो पढ़े ही होंगे कि यहां पर वैगनर की एक थ्योरी थी, वैगनर्स थ्योरी, और थ्योरी का नाम क्या था, थ्योरी का नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। जहां पर हुआ क्या था कि जो यूरेशिया कॉन्टिनेंट है, इस यूरेशिया कॉन्टिनेंट में इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो कि इंडो ऑस्ट्रल प्लेट से है, यहां से इंडिया निकल के आया था और इसमें टक्कर मारा था। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये बोलती है कि जब तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट इधर मूव कर रहा है ऑस्ट्रेलियन सब कॉन्टिनेंट के पास में, इन दोनों के बीच में एक ओशियानिक बॉडी हुआ करती थी और उस ओशियानिक बॉडी का नाम हुआ करता था क्या चीज, इस बॉडी का नाम होता था टेथिस सी, टेथिस सी। क्लियर, तो दिस इज इंडिया का क्या है कि वास्ट जियोलॉजी है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस ये ट्रेवल करके आया है, ये बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस ये ट्रेवल करके आया है, पहली चीज। और दूसरी चीज, अलग अलग कॉन्टिनेंट अलग अलग तरीकों से होके गुजर के आया है। जैसे क्या है कि कुछ जगहों पे हो सकता है कि वोल्केनिक इरप्शन हो रहे थे जिससे गुजर के आया था, कई जगहों पे क्या था, मरीन डिपॉजिट्स वगैरह मिल गए थे जिससे भी ये गुजर के आया हुआ था, कई जगहों पे क्या था, नॉर्मल चीजें चल रही थी उधर से भी गुजर के आया था, फिर यहां पर क्या हुआ, यहां पर आते ही इसको क्या हो गया, अटैक हो गया, अटैक का मतलब कि ये कोलिजन हो गया, तो कोलिजन का भी अपना इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर थ्रू विच इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज गॉन थ्रू, तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट चीज इसकी जियोलॉजी हो जाती है। तो डिफरेंट रीजन इन इंडिया कंटेन्स रॉक ऑफ ऑल टाइप बिलोंगिंग टू डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड, और ये जियोलॉजिकल पीरियड अगर हम लोग बात किया जाए तो ये जियोलॉजिकल पीरियड जो शुरू भी होता है वो हमारी शुरू होती है हमारी सबसे पहले जो टाइम स्केल है दैट इज हेडियन, हेडियन से शुरू होती है और हेडियन से शुरू होकर के पैलियोजोइक, प्रोटोरियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, अल्टीमेटली हम लोग देखेंगे हमारे क्वार्टरनरी एज तक। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि हमारा जो ये मिलियंस बिलियंस ईयर्स है उन सारे के सारे ईयर्स में कैसे क्या स्ट्रक्चर, कैसे रिलीफ चेंज हो रही है, उन सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा बेसिकली क्या होने वाला है। देखिए टॉपिक काफी ज्यादा थ्योरेटिकल है और इस थ्योरेटिकल में मैं कोशिश किया हूं कंसेप्ट बनाने की, आपको समझाने की, बट फिर भी आपको कई सारी चीजें यहां पर रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी और दीज आर द नेम्स, और नेम्स में यही है कि आपको याद तो करना ही पड़ेगा। जैसा कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाले वीडियो में भी आपने देखा होगा, मैंने कुछ छोटे छोटे न्यूमैनिक्स, कुछ ट्रिक्स बताए हैं जिसके थ्रू आप उसको याद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका अल्टीमेट सोर्स यही है, ये लिटरेचर पार्ट है, यहां पर आपको याद करना पड़ेगा। द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स एंड कैरेक्टर ऑफ रॉक एंड स्लोप्स। तो इस रॉक और स्लोप से हमें बेसिकली पता चल जाता है मिनरल कंपोजिशन के बारे में, और इस मिनरल कंपोजिशन के सहारे हम लोग मिनरल रिसोर्स निकाल देते हैं, और इस रिसोर्स की सहायता से हम लोग कई सारे प्रीशियस एलिमेंट, फार्मास्यूटिकल एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीजें हम लोग बना देते हैं। इसके अलावा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में पता चल जाता है, जिससे कि हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है, तो हम लोग इसका एग्रीकल्चरल यूज कर लेते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल एंड सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्स, दीज आर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी सॉल्व थ्रू दिस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ठीक, सम ऑफ द रॉक्स आर बैडली डिफॉर्म्ड, ट्रांसम्यूटेड, व्हाइल अदर्स आर रिसेंटली डिपॉजिटेड एल्यूवियम दैट हैज येट टू गो डायजेसिस। मिनरल डिपॉजिट ऑफ ग्रेट वैरायटी आर फाउंड इन द सब कॉन्टिनेंट इन ह्यूज क्वांटिटी। स्ट्रक्चरली द इंडियन सब कॉन्टिनेंट या इंडियन लैंड मास इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन डिवीजन, और थ्री मेन डिवीजन कौन कौन से हैं, एक तो हो गया जो हिमालय माउंटेन चेन है, दूसरा नॉर्थ इंडियन प्लेन, तीसरी पेनिनसुलर इंडिया, जैसा कि हम लोगों ने बात किया।
कई बार इसका नाम जो होता है वो लिख दिया जाता है एक्स्ट्रा पेनिनसुलर प्लेन या एक्स्ट्रा पेनिनसुलर एरिया, ठीक है, पेनिनसुलर। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, दिस इज गैंगेटिक प्लेन, ठीक है, गैंगेटिक प्लेन हो गया ये। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर रखी है। अब देखिए यहां पर हमें थोड़ी सी माउंटेन साइकिल के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि यही माउंटेन साइकिल हमें आगे डिस्कस करना है। जैसे माउंटेन साइकिल का मतलब है कि वी हैव थ्री काइंड ऑफ रॉक, रॉक हमारे पास तीन तरीके के होते हैं। अच्छा, रॉक और माउंटेन, यू हैव सीन दीज टू टर्म्स, रॉक और माउंटेन, क्या आप लोग को डिफरेंस पता है दोनों में? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉक एंड माउंटेन, आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है, तो कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोग को पता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए अगर रॉक के बारे में बात करते हैं, रॉक देखिए इग्नियस होती है, दूसरी होती है मेटामॉर्फिक होती है, तीसरी होती है जो सेडिमेंट्री होती है। छोटा सा मैं एक आइडिया दे देता हूं केवल, बाकी हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी जब डिस्कस करेंगे तब हम लोग बात करेंगे, एक्चुअली इसका यूज होने वाला है इसलिए मैं आपको बता देता हूं। इग्नियस रॉक जो होती है वो लावा फॉर्मेशन से बनती है, लावा फॉर्मेशन से, मतलब कि अल्टीमेट सोर्स इज वोल्केनो, वोल्केनो के माध्यम से ही निकल के आएगा। अब इग्नियस रॉक जो होती है वो कई सारे एक्सटर्नल एजेंट से होकर के गुजरती है, जैसे विंड हो गया, रिवर हो गया, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके थ्रू ये लगातार कॉन्टैक्ट में आ रहे होते हैं, लगातार इनके ऊपर इरोजन हो रहा होता है, तो इस इरोजन के कारण से सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक का मतलब क्या हो गया? जो सेडिमेंट से बना होता है, जो टूट टूट कर बना होता है, और टूटेगा कहां से? इसी इग्नियस से ही टूट टूट करके बना होता है। अब होता क्या है कि हमारी इग्नियस रॉक हो गई हमारे पास और हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक हो गई, ये दोनों ही रॉक लगातार हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से होकर के गुजरते हैं। इस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के कारण से ही इन रॉक का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि इनके अंदर के जो पोर्स हैं वो लगातार चेंज होते जाते हैं, वाटर अवेलेबिलिटी वगैरह, गैस अवेलेबिलिटी वगैरह इसमें चेंज होती रहती है। तो इस वजह से ये जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक है दोनों के दोनों चेंज होकर के मेटामॉर्फिक फॉर्म में बदल जाता है, और इसीलिए बोला जाता है इसको मेटामॉर्फोज्ड फॉर्मेट, ठीक है। तो ये होती है कब? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण से हो रही होती है। क्लियर हुआ कुछ? जैसे मान लीजिए ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है, लेकिन जब ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के थ्रू गुजर जाता है तो ग्रेनाइट ग्नीस स्ट्रक्चर में बदल जाती है। तो ग्नीस स्ट्रक्चर इज बेसिकली मेटामॉर्फिक फॉर्मेट, इसका एक कायांतरण हो गया है, ये बदल गया, रूपांतरित हो गई है। क्लियर हो गया? सिमिलरली सेडिमेंट्री होती है, सेडिमेंट्री में जैसे मान लेते हैं कि हमारा सैंडस्टोन है, तो सैंडस्टोन अगेन जो होती है चेंज हो जाती है और वो शेल स्लेट में बदल जा रही होती है। सिमिलरली मान लेते हैं कि हमारा जैसे मार्बल है, तो मार्बल एक तरीके का मेटामॉर्फिक होता है, लेकिन उसका मेन सोर्स क्या है? लाइमस्टोन है। तो ये सब बेसिक चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, और इस बेसिक चीज के लिए मैं बोलूंगा जीसी लियोंग इज द बेस्ट बुक। जीसी लियोंग जो होती है बेस्ट बुक है, या अगर आप दिल्ली या नियर बाय रीजन में है तो आप ओल्ड एनसीईआरटी ऑफ ज्योग्राफी परचेज कर सकते हैं, जीरोक्स फॉर्मेट में मिलती है, काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब समझ लीजिए जान है ज्योग्राफी की, बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा मैंने बुक लिस्ट को आप लोगों को बता ही रखा है कि आप माजिद हुसैन या फिर खुल्लर पढ़ सकते हैं इस हमारे पेपर टू के लिए। इसके अलावा इंटरनेट के सोर्सेज का यूज करना रहेगा, टाइम टाइम पे मैं बताता रहूंगा क्या क्या चीजें यूज करनी है। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पर रहते हैं, स्टिक टू द टॉपिक, और हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया और आपको एक आइडिया लग गया कि बेसिकली इस स्ट्रक्चर एंड रिलीफ में व्हाट वी आर गोइंग टू रीड, और इस व्हाट वी आर गोइंग टू रीड में हमें कुछ बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे हमारा जो रॉक सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया, इग्नियस मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री, क्योंकि इन्हीं का आगे हम रूप देख रहे होंगे, अलग अलग फॉर्मेट देख रहे होंगे। इसके अलावा इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के मैंने डिटेल्स के बारे में बता दिया कि तीन तरीके से डिविजन किया गया है, हिमालयन, नॉर्थ इंडियन और पेनिनसुलर इंडिया के बारे में। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे तो जियोलॉजिकली द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया वॉज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। अब देखिए कई बार क्या होता है कि गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, ये आप लोगों को पता होगा, तो गोंडवाना लैंड का मतलब क्यों, गोंडवाना लैंड का नाम गोंडवाना क्यों पड़ा? क्योंकि एक्चुअल में क्या है, छोटी सी स्टोरी, ये कुछ खास है नहीं, आंध्र प्रदेश में एक ट्राइब रहती है और ट्राइब का नाम है गोंड ट्राइब। इसी गोंड ट्राइब से बेसिकली इस रॉक स्ट्रक्चर की शुरुआत हुई थी, इसीलिए इस रॉक स्ट्रक्चर या फिर इस टाइम स्केल को गोंडवाना लैंड बोल दिया जाता है। तो बेसिकली गोंडवाना के लैंड से स्टार्ट हुआ था, गोंड के लैंड से स्टार्ट हुआ था, इसीलिए इसका नाम गोंडवाना लैंड पड़ा था। क्लियर हो गया? छोटी सी स्टोरी थी, कुछ खास आपके लिए नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज यूनिक एज पेनिनसुलर इंडिया वॉज पार्ट ऑफ ओल्ड लैंड मास सिंस द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। अब हम लोग अगर बात करते हैं व्हाट वी हैव स्टडीड इन आवर जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जहां मैंने बताया था कि अर्थ जब फॉर्म हुआ था
अर्थ फॉर्मेशन हुआ, तो अर्थ फॉर्मेशन से क्या हुआ कि नंबर ऑफ चीजें धीरे 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 चेंज होना शुरू हुई। जैसे शुरू में क्या हो रहा था, मीटियोर अटैक हो रहा था, जिसके कारण से लगातार धरती पे बहुत सारे चेंजेस आते रह रहे थे। यहां पर वोल्केनिक एक्टिविटी होती रह रही थी और इस वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण भी बहुत सारे लावा फॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें होती रह रही थी। नेक्स्ट फेज में क्या होता है कि अरावली फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, अरावली फॉर्मेशन। और ये अरावली फॉर्मेशन जो होती है वो होती है हमारी आर्कियन एज, ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। इसके बाद से सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया का फॉर्मेशन हुआ था पैंगिया के बाद से, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने बात किया हुआ था जो हमारा लास्ट क्लास है, और उसमें हम लोगों ने ये पूरा का पूरा डिस्कस किया हुआ था। चलिए खैर, हम लोग इसको वापस से रिपीट नहीं करेंगे, बस ये मैंने आप लोग को बताया इसलिए क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज यूनिक एज पेनिनसुलर इंडिया वाज पार्ट ऑफ ओल्ड लैंडमास सिंस द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट व्हिच ग्रू इन कॉम्प्लेक्सिटी एज अ सक्सेशन ऑफ अल्पाइन ओरोजिनी रिजल्टेड इन अपहीवल ऑफ हिमालय। तो बेसिकली क्या हुआ कि पहले पहले पेनिनसुलर इंडिया डेवलप होता है और इस पेनिनसुलर इंडिया के बाद से धीरे 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 करके क्या होता है, हिमालय का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। इस हिमालय का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है हमारे अल्पाइन ओरोजिनी में। अब क्वेश्चन ये होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरोजिनी, ओरोजिनी क्या चीज होती है? तो देखिए, हमारे अर्थ में बहुत सारे इंटरनल फोर्सेस लगते हैं, इंटरनल फोर्सेस। ये इंटरनल फोर्सेस कई तरीके के होते हैं, जैसे इसमें होता है, एक होता है जिसको बोलाता है एपीरोजेनिक फोर्सेस जो कि काफी ब्रॉड लेवल पे लगता है, और दूसरा होता है जो बोला जाता है ओरोजेनी फोर्सेस। ओरोजेनी फोर्सेस जो होती है वो माउंटेन बिल्डिंग के बारे में आती है, माउंटेन बिल्डिंग की प्रोसेस होती है, और जो ओरोजेनिक मतलब एपीरोजेनिक फोर्सेस होती हैं, दीज आर कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस, ये होती हैं कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस। बाकी इसके डिटेल के बारे में हम लोग जब फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे तब हम लोग बात करेंगे। इसमें से एक फोर्स होती है जो रेडियल मूव कर रही होती है, और दूसरी होती है जो शियर फोर्स के कारण से मूव कर रही होती है। तो हम लोग ये सारे के सारे फोर्सेस और कुछ फिजिक्स के बारे में देखेंगे हम लोग जब फिजिकल ज्योग्राफी देख रहे होंगे। तो यहां पर क्या होता है, अल्पाइन ओरोजिनी में ये हमारी जो हिमालय है उसका अपहीवल हो जाता है इन द टर्शियरी फेज, और ये टर्शियरी फेज है, एग्रीडेशन फॉर्मेशन ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन ड्यूरिंग द प्लीस्टोसीन पीरियड, ठीक है। तो प्लीस्टोसीन पीरियड में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। एंड दिस प्लीस्टोसीन पीरियड इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली क्वार्टरनरी पीरियड, क्लियर। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरीड, इट बिगिंस विथ द फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, फर्स्ट डिपॉजिटेड सेडिमेंट्री रॉक, फर्स्ट ओरिजिनी एंड एक्सटेंड टू रिसेंट लाइंग ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। तो किस तरीके से ये पूरा का पूरा मूव किया है, व्हाट इज द क्रोनोलॉजी, ये पूरी चीज ही हम लोग पढ़ते हैं अपने इस स्ट्रक्चर एंड रिलीफ वाले टॉपिक में। क्लियर हो गया क्या चीज है? हाउएवर स्ट्रैटिग्राफिल के लिए इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल डिवीजन सच एज आर्कियन सिस्टम, धारवाड़ सिस्टम, कडप्पा सिस्टम, विंध्यन सिस्टम, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, गोंडवाना, डेकन ट्रैप, टर्शियरी एंड एलुवियल। एलुवियल मतलब क्वार्टरनरी, दिस इज क्वार्टरनरी, और सी चीजें जो अभी रिसेंट की हैं, सबसे मॉडर्न है सीनोजोइक एरा का ये पूरा का पूरा सिस्टम होता है, ये सीनोजोइक हो जाती है। तो ये सारी चीजें ही हम लोग को बेसिकली देखना और इसी के डिटेल के बारे में बात करना है, दिस इज स्ट्रक्चर एंड रिलीफ टॉपिक। अब अगर हम लोग बात करते हैं, पहले एक बार पूरा का पूरा एक सर्फेशियल चीजें देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे इसके डिटेल के बारे में। तो अगर सर्फेशियल बात की जाए कि पूरे इंडिया में हमारी जो फिजिकल डिवीजन है, या कह लीजिए जितने भी फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं या जो हमारे फिजिकल रिलीफ्स हैं, वो किस पीरियड में, मतलब कि किस टाइम स्केल में, किस तरीके से क्या बनती गई है, ये हम लोग पहले एक थोड़ा सा सर्फेशियल देख लेते हैं। तो अगर बात करते हैं तो यहां पर हम लोगों को यहां पर तीन कई सारे फॉर्मेट देखने को मिल जाते हैं। जैसे एक होता है जो सबसे पुराना होता है, सबसे पुराना, दैट इज हेडियन के बाद का जस्ट, जिसको बुलाता है आर्कियन। आर्कियन की जब हम लोग बात करेंगे तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, साउथ वाले पार्ट में आ जाता है, ये पूरा सदर्न एज ये हमारा आर्कियन हो जाता है, ये पूरा का पूरा आर्कियन एज में आ जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़े तो हमारे पास दूसरी हो जाती है जो विंध्यन हो जाती है, इनफैक्ट विंध्यन एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें शुरू होती है हमारी पैलियोजोइक एज में। और इस पैलियोजोइक में हम लोग आगे बात करेंगे विंध्यन के बारे में, फिर डेकन ट्रैप के बारे में बात करेंगे, फिर एलुवियल के बारे में बात करेंगे, फिर मेसोजोइक, कडप्पा, पैलियोजोइक, टर्शियरी, गोंडवाना। तो ये पूरे के पूरे यहाँ पर सिस्टम दिए गए हैं। जैसे अगर छोटा सा थोड़ा थोड़ा अगर आइडिया लिया जाए तो ये देखिए हमारा ये पूरा का पूरा सिस्टम है जो एलुवियल प्लेन है, और ये एलुवियल प्लेन बेसिकली जो डेवलप हुई थी वो डेवलपमेंट हुआ था हमारी किस एज में, ये हमारी मॉडर्न डेवलपमेंट है।
और ये मॉडर्न डेवलपमेंट हमारी बेसिकली देखने को मिलती है क्वार्टरनरी फेज में। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम मैं आप लोगों को कलर करके दिखा रहा हूं, ये पूरा सिस्टम जो होती है वो आ जाती है हमारे इस एलुवियल में। मीसोजोइक के बारे में अगर बात करते हैं तो देखिए थोड़ा सा मीसोजोइक को भी अगर हाईलाइट कर लिया जाए तो नॉट येलो अगेन। तो हम लोग अगर मीसोजोइक को देखते हैं तो मीसोजोइक एरिया जो आपको देखने को मिलता है वो कुछ यहां पर देखने को मिल जाएगा इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में मिल जाएगा। और बेसिकली मीसोजोइक एरिया जो होते हैं वो नेबरिंग एलिमेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी हम लोग गोंडवाना के बारे में बात करें तो देखिए ये गोंडवाना एरिया आ जाता है। और हम लोग जरा बाकी अब चलते हैं, हम लोग जरा डिटेल में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। ये बेसिकली फिगर आपको याद करना रहेगा, और याद करने में अभी क्या है कि पहले जब हम लोग सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे तो आप फटाफट इस फिगर को रिकॉल कर लेंगे, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस लेकर के चलना है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक का हम लोग जब रेगुलरली यूज करना शुरू कर देंगे तो अगेन ये टॉपिक आपके लिए ईजी हो जाएगा, जैसा कि पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी वाला टॉपिक था। दैट टॉपिक वॉज अगेन वेरी कॉम्प्लेक्स, जिसको सिंप्लीफाई किया गया था और रेगुलरली उसका यूज किया गया था, और उसके बाद से हम लोग उस टॉपिक को काफी ज्यादा मतलब यूज टू हो गए थे। सिमिलरली इस चीज को, इस टॉपिक को भी हम लोग वैसे ही यूज करने वाले हैं। एक सर्फेशियल पूरा का पूरा आइटम देखा जाए तो दिस इज द सर्फेशियल थिंग, जहां पर हम लोग पूरे इस स्ट्रक्चर एंड रिलीफ को देख रहे होते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर एंड रिलीफ में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है हमारे जियोलॉजिकल टाइम स्केल की, वो होती है प्री कैम्ब्रियन एरा से। इस प्री कैम्ब्रियन एरा में सबसे पहले जो हमारा सिस्टम आता है वो आता है आर्कियन फॉर्मेशन का। इस आर्कियन फॉर्मेशन में अगर हम लोग बात किया जाए कि क्या हुआ था, तो ये बेसिकली कैम्ब्रियन पीरियड की बिगनिंग होती है। इसमें हमारे तीन सिस्टम बेसिकली देखने को मिलते हैं, एक होता है बंगाल ग्नीस, बुंदेलखंड ग्नीस एंड नीलगिरी ग्नीस। ग्नीस से एक चीज पता चल जा रहा है कि बेसिकली यहां पर लावा फॉर्मेशन हुआ था और यहां पे ग्रेनाइट बनी थी, और यही ग्रेनाइट जब लगातार हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के फॉर्मेट में दबी हुई है तो जाकर के ये ग्नीस में कन्वर्ट हो गई है, बिकॉज ग्नीस इज द मेटामॉर्फोज्ड फॉर्मेट ऑफ ग्रेनाइट। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो इस इलाके के बारे में हमें सबसे पहले बात करनी होगी, और ये आर्कियन होगा जो कि लावा फॉर्मेशन से मतलब कि वोल्केनिक एक्टिविटी के माध्यम से बना हुआ होगा। और चूंकि ये प्री कैम्ब्रियन है, यानी कि अभी ये अपने पैंगिया फेज में भी नहीं आया है, मतलब ये पैंगिया से भी बहुत पुराना है, बहुत पहले की बातें हो रही है जिस समय अर्थ क्रस्ट बन रहा था। इस प्री कैम्ब्रियन के बाद हमारी दूसरी जो पीरियड आती है उसका नाम होता है प्रोटेरोजोइक फॉर्मेशन। इस प्रोटेरोजोइक फॉर्मेशन में अगर बात किया जाए तो देखिए अब माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस वगैरह धीरे धीरे स्टार्ट हो रही थी। इस धीरे धीरे स्टार्ट होने में हमारे पास तीन तरीके की फॉर्मेशन आती है। एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं धारवाड़ फॉर्मेशन, दूसरी बोलते हैं हम लोग कडप्पा फॉर्मेशन, तीसरी बोलते हैं हम लोग विंध्यन फॉर्मेशन। अगर तीनों के बारे में देखेंगे तो बेसिकली देखिए दिस रीजियन ऑफ आर्कियन फॉर्मेशन विच वॉज वेरी मच एक्सटेंडेड इन द पेनिनसुलर इंडिया, उसमें हुआ क्या कि ये जो साउथ इंडिया की जो आर्कियन फॉर्मेशन थी वो अपने नेबरिंग पार्ट में टूटना शुरू हुई, और जैसे जैसे टूटा वैसे वैसे ही इसका नामकरण, इसका नाम वगैरह पढ़ना शुरू हो गया। जैसे धारवाड़, ये जो है कर्नाटक के एरिया को बोला गया कि धारवाड़ की यहां पर रॉक है, कटप्पा या आंध्र प्रदेश वाले साइड की रॉक बोली गई, और ये विंध्यन ये बोला गया जो नदन पार्ट में था, इस नदन पार्ट को बोला गया जो कि बेसिकली महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाया गया। तो ये पाया गया जो ईस्टर्न साइड मतलब कि वेस्टर्न साइड में पाया गया, ये पाया गया जो ईस्टर्न साइड में पाया गया, और ये पाया गया जो नॉर्दर्न साइड में पाया गया। सदर्न साइड में तो बेसिकली हम लोग उसको आर्कियन ही बोलना अभी भी बोलते हैं। धारवाड़ फॉर्मेशन अगर बात किया जाए तो यहां पर भी अगेन कुछ सीरीज है, नंबर ऑफ सीरीज आर देयर, जिसमें मैंने चार इंपॉर्टेंट सीरीज का नाम लिखा हुआ, जैसे एक है चैम्पनर सीरीज, क्लोजपेट सीरीज, चिल्पी सीरीज एंड आयरन ओर सीरीज। इसके अलावा बहुत सारे और भी सीरीज है जिसको कि हम लोग डिटेल में देखेंगे। यहां पर देखिए हुआ क्या था कि देखिए इग्नियस की डेब्रिस है, यानी इग्नियस अब एक्सटर्नल एजेंट में संपर्क में आने पर अब टूटना शुरू कर दिया है, और ये एक तरीके का क्या बनेगा, सेडिमेंट बनेगा, और ये आफ्टर सम प्रेशर एंड टेम्परेचर दिस इज गोइंग टू बी सेडिमेंटरी रॉक। अब ये सेडिमेंटरी रॉक अगेन मेटामॉर्फिक फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा और मेटामॉर्फिक रॉक के फॉर्मेट में निकल के आएगा, जो शिष्ट के फॉर्मेट में रहेगी। इसके अलावा हमें कुछ पोर्शन जो होता है इग्नियस का भी देखने को मिल रहा होगा। क्लियर हुआ, कुछ समझ में आ रहा है? तो बेसिकली आपको माउंटेन बिल्डिंग और माउंटेन टाइप या रॉक टाइप आपको काफी क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए, ये सब बेसिक्स रहेंगे इस टॉपिक के लिए। दूसरा हमारा आंध्र प्रदेश के इलाके के पास में पाया जाता है कडप्पा फॉर्मेशन, और वहां पर भी अगेन मेटामॉर्फिक फॉर्मेट
जो हमारी है उसके अलावा हम लोग यहां पर बात कर सकते हैं। यहां पर आ जाते हैं शेल, स्लेट, लाइमस्टोन एंड क्वार्ट्जाइट। जब यहां पर आप देखेंगे तो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि दीज आर ईदर सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक फॉर्मेट ऑफ दैट सेडिमेंट्री। तो हमें बेसिकली यहां पर सेडिमेंट्री देखने को मिल रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पर भी जो इग्नियस रॉक है वो टूटने के बाद जो नेबरिंग एरिया में एक्यूमुलेट हुई वही कडप्पा फॉर्मेशन को बना रही होती है। सिमिलरली अगर विंध्यन के बारे में बात करें तो देखिए अगेन ये भी क्या है, सेडिमेंट्री डिपॉजिट ही निकल करके आ रहा होता है, सेडिमेंट्री रॉक बना रहा होता है। क्लैरिटी हो गई। अब यहां पर क्या है, कुछ कुछ अगेन कुछ सीरीज हैं, जैसे पापाग्नि सीरीज हो गई और विंध्यन की कुछ सीरीज है, कैमूर सीरीज हो गई, बिजवार सीरीज हो गई और भांजेर सीरीज हो गई। सीरीज का मतलब यहां पर छोटी छोटी जो माउंटेन रेंजेस वगैरह होती हैं उसी रेंजेस का नाम है। और यहां पर हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि किस तरीके की मिनरल पाई जा रही है, तो जब हम लोग डिटेलिंग करेंगे तो वहां पर और ज्यादा समझेंगे इसके बारे में। फिलहाल आप केवल और केवल नाम और उसके एरिया के बारे में समझने की कोशिश करिए और कोशिश करिए कि यहां पर जो स्ट्रक्चर एंड रिलीफ टॉपिक है वो किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है या किस तरीके से इसको डिवीजन किया गया है। इस प्रोटेरोजोइक फॉर्मेशन के बाद हमारी नेक्स्ट फॉर्मेशन आती है जिसका नाम होता है पैलियोजोइक एरा। इस पैलियोजोइक में हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड्स आ जाते हैं। नंबर ऑफ पीरियड का मतलब शुरुआत होती है इसकी कैम्ब्रियन एज से, कैम्ब्रियन के बाद ऑर्डोविशियन आती है, ऑर्डोविशियन के बाद सिलूरियन आती है, सिलूरियन के बाद डिवोनियन आती है, फिर कार्बोनिफेरस आती है और फिर लास्ट में परमियन आ जाती है। तो इस पीरियड को अलग अलग तरीके से डिवाइड तो किया गया है, लेकिन अगर हम लोग रॉक फॉर्मेट में बात करें तो यहां पर प्रोटेरोजोइक और पैलियोजोइक के जस्ट बीच में एक आता है जिसका नाम होता है कैम्ब्रियन रॉक। ये कैम्ब्रियन रॉक इस समय जो मरीन एनिमल्स होते हैं वो डेवलपमेंट करना शुरू कर देते हैं और यहां पर भी हमें सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अगेन ये सेडिमेंट्री रॉक हमें नेबरिंग एरिया में ही देखने को मिलते हैं जो कि आर्कियन के ही एरिया के पास पास में हो जाते हैं। इस पैलियोजोइक के बाद जो नेक्स्ट एरा सामने आता है उस नेक्स्ट एरा का नाम होता है मीसोजोइक एरा। और मीसोजोइक एरा में अगेन हमारे कुछ पीरियड्स आ जाते हैं जैसे कि ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड एंड क्रिटेशियस पीरियड। जो हमारा ट्रायसिक पीरियड है उसमें बेसिकली क्या हुआ, तीन रॉक सिस्टम डेवलप हो रही थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा था ट्रायसिक। ट्रायसिक नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि यहां पर तीन रॉक सिस्टम डेवलप की हुई थी। जो तीन रॉक सिस्टम वगैरह थी ये सारा का सारा मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है, तो काइंडली गो विद दैट सीरीज एंड अगेन यू विल गेट सम क्लैरिटी देयर। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो देखिए जुरासिक, इसके बाद जो दूसरी पीरियड आती है उसका नाम आता है जुरासिक पीरियड। ये जो जुरासिक पीरियड है अगेन ये बनती है स्विट्जरलैंड के एरिया में, जूरा माउंटेन पाई जाती है और जूरा माउंटेन के ही स्टडी के कारण से इनको जुरासिक पीरियड बोला जाता है। इस पीरियड में थोड़ी सी मतलब डिफरेंस होती है, इसी वजह से इसका नाम जुरासिक पड़ा है। और लास्ट में आती है जुरासिक के बाद हमारी आती है क्रिटेशियस पीरियड। तो ये क्रिटेशियस पीरियड में हम लोग देखेंगे बेसिकली यहां पर डिक्कन लेवा फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अगर हम लोग इंडियन टाइम स्केल में बात करें तो बेसिकली दो तरीके की चीजें हमें सामने आती हैं, एक होती है जो ट्रायसिक पीरियड की जिसको हम लोग गोंडवाना सिस्टम बोलते हैं और दूसरी होती है जो क्रिटेशियस सिस्टम है। गोंडवाना सिस्टम में अगर बात करें तो देखिए दिस इज बेसिकली गोंडवाना जहां पर हमें कोल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये कोल फॉर्मेशन हमें बेसिकली तीन सीरीज में देखने को मिलता है जिसका नाम है तालचर सीरीज दैट इज इन ओडिशा, दामुडा सीरीज और पंशेर सीरीज। तो हमें ये छोटा नागपुर का जो रीजन है उस एरिया में हमें बेसिकली ये देखने को मिलेगा। क्रिटेशियस सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो ये बेसिकली डेक्कन ट्रैक के बारे में यहां पर बात की जाती है, जहां पर किस तरीके से डेक्कन एरिया में, पेनिनसुलर एरिया में, मालवा के पास में लावा फॉर्मेशन होना शुरू होता है और किस तरीके से यहां पर हमें एक कॉटन वाली, कॉटन फेवरेबल सॉइल फॉर्मेशन शुरू होती है, हम लोग बात करेंगे इस क्रिटेशियस सिस्टम में। इस मेसोजोइक एरा के बाद हमारी नेक्स्ट जो एरा आती है उसको बुलाता है सेनोजोइक एरा। और ये सेनोजोइक एरा ही सबसे मोस्ट मॉडर्न एरा है। मोस्ट मॉडर्न एरा, एरा मतलब बहुत ब्रॉड लेवल पे, जब पीरियड को ब्रॉड लेवल पे देख रहे होते हैं तो एरा होती है वो, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस ही किया है। तो सेनोजोइक एरा में अगर बात करें तो वी हैव टू पीरियड, वन इज टर्शियरी सिस्टम, टर्शियरी पीरियड, सेकंड वन इज क्वार्टरनरी पीरियड। टर्शियरी पीरियड में हमारे पास नंबर ऑफ इपो आ जाते हैं जैसे पैलियोसीन, ईओसीन, ऑलिगोसीन, मायोसीन एंड प्लायोसीन। तो इस सिस्टम में बेसिकली हुआ क्या था कि अपहीवल ऑफ हिमालय या अब से शुरू हो गया था। बेसिकली हुआ क्या था कि जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है अब वो यूरेशियन सबकॉन्टिनेंट के साथ में टकरा गई थी और इस टकराने के बाद
हिमालय का अपहीवल, हिमालय का उठना शुरू हो गया था इन द अर्ली एजेस ऑफ ईओसीन। तो हमें ईओसीन मायोसीन एरा में, मायोसीन एरा में हिमालय का अपहीवल देखने को मिल जाता है। और इस अपहीवल होने के बाद हमारी जो नेक्स्ट फेज आती है उसको बोला जाता है प्लीस्टोसीन आइस एज, प्लीस्टोसीन आइस एज। और इस प्लीस्टोसीन आइस एज में बेसिकली हुआ क्या था, ग्लेशिएशन हुआ था। और ये प्लीस्टोसीन आइस एज हमें बेसिकली देखने को मिलता है हमारे इस क्वार्टरनरी सिस्टम में। और अगर मोस्ट मॉडर्न इपो के बारे में बात करें तो देखिए हमारा जो इस समय भी चल रहा है वो है होलोसीन एज, या फिर बात कर सकते हैं होलोसीन इपो, जिसमें क्या है आइस फॉर्मेशन वगैरह, आइस जो है वो रिसीड कर गई है। और बेसिकली हमें रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना होता है। तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल के फॉर्मेट में हमारे जो स्ट्रक्चर एंड रिलीफ है उसके सरफेशियल पार्ट को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग जरा इसके डिटेलिंग के बारे में बात करना शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो मैं इसको यहीं पे ब्रेक कर रहा हूं। हम लोग पार्ट टू में बात करेंगे हमारे इस सरफेशियल की चीजों को डिटेल में करने के लिए। आपको अगर कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम के चैनल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन रेज योर डाउट्स देयर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।